day. Very excited. जैसे मुझे पता लगा कि मुझे यहाँ आना है, मैं बहुत ही खुश हो गई. मैंने कहा चलो, बहुत मज़ा आएगा. लुक, रेड कार्पेट लुक है, तो फिर आप देख ही रहे हैं कि मैंने क्या पहना हुआ है. और दिस इज़ अ ग्रे ड्रेस जो मेरी फ्रेंड डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने मेरे लिए डिज़ाइन किया है ये. एंड आई थिंक आई एम लुकिंग प्रीटी गुड. लेट्स सी. ये तो अभी पता नहीं एग्जैक्टली, तो सुनी सुनी बातें हैं कि सेलेब्स होने वाले हैं या कॉमनर्स भी होंगे इस बार. पता नहीं अभी क्या होगा, मेकर्स के दिमाग में क्या है, बट जो भी है आई होप बहुत ही एंटरटेनिंग हो. मैं तो वेट कर रही हूँ कि मुझे पता लगे. और वैसे भी मैं जानती हूँ ये बात कि सितंबर से पहले तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन शो में एंटर कर रहा है. सो देखते हैं, वेट करते हैं. ये मेरी ड्रेस जो है, मेरी फ्रेंड अपर्णा कीते ने डिज़ाइन की है ये मेरे लिए. एंड या सो इसकी ये आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है ये, तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है. बट थोड़ा चलने में, ऐसी ड्रेसेस में एक्चुअली मैं थोड़े से लाइट कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, और ऐसे ड्रेसेस में चलना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आई बी वेरी ऑनेस्ट. बट ठीक है, आई एम इन्जॉइंग इट. आर्टिकल ऑनेस्टली मैंने अभी तक इतना फॉलो नहीं किया है IWM के आर्टिकल को, लेकिन अब मैं प्रॉमिस ये करने वाली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पता करने वाली हूँ. अंदर जाते ही मैं देखूँगी कि क्या हो रहा है इवेंट, बिकॉज जैसे मुझे पता लगा कि मुझे इवेंट अटेंड करना है, तो या आई एम प्रीटी एक्साइटेड. लेट्स सी अब अंदर जाके क्या होता है. यस, मेरा गाना बन रहा है. आई एम डूइंग 2 मूवीज़ नाउ, जिसके बारे में मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है. बट या आई साइन 2 मूवीज़, और वो जल्दी शुरू होने वाली हैं. एंड उसके पहले ही मेरा एक वीडियो एल्बम रिलीज़ होने वाला है. सो या आई एम वर्किंग ऑन द वीडियो नाउ, कि वो कैसा बनना चाहिए. हर अच्छा काम होने से पहले आई थिंक थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ी मेहनत होती है उसके पीछे, तो थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है. तो वही हो रहा है बस. द ट्रैक इज़ रेडी, बस वीडियो हम शूट करने वाले हैं, तो बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे दोबारा. मैं बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ, और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं सिर्फ इंडिया को जीतते देखना चाहती हूँ, और वही होने वाला है. सो या फिंगर्स क्रॉस्ड. इंडिया, इंडिया चक दे इंडिया. इंडिया पाकिस्तान मैच मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, और मैं वेट कर रही हूँ. संडे को हो रहा है मैच, तो सबसे पहले उठते ही मैं टीवी के सामने बैठने वाली हूँ, और बहुत मज़ा आएगा, और पूरा हमारा कंट्री पूरा इंजॉय करता है इंडिया पाकिस्तान मैच. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू गाइज. वेल, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. और IWM बर्स को मैं थैंक्स करना चाहूँगा, कलर से थैंक्स करना चाहूँगा, एंड सिस्टा स्टाइल अवार्ड. आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम नॉमिनेट हुआ इस अवार्ड के लिए, तो नो डाउट आई एम वेरी वेरी हैप्पी. वेल, मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया इस बार ब्लेज़र. हमेशा मैं सिर्फ कलर पहन के आता हूँ, इस बार थोड़ा सा स्टाइलिश ब्लेज़र पहना हूँ. ये आप देख सकते हैं, जो भी स्टाइल है, फ्लावर बने हुए हैं. सो थैंक यू सृष्टि, एंड थैंक्स टू माई मदर, वो थोड़ा आउटफिट डिज़ाइन करती है मेरा. सो थैंक यू मम्मी, एंड थैंक यू सृष्टि. बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. मैं दोनों बेटों के साथ बहुत प्राउड फील करती हूँ. अभिषेक भी बहुत अच्छे हैं, उनकी भी बहुत जल्दी मूवी आने वाली है. सो दोनों बेटे मुझे बहुत प्राउड महसूस कराते हैं. सारी बातें कोई तो बात होगी. जो नहीं पसंद है. नहीं, जो पसंद है. नहीं, जो नहीं पसंद है वो बताती हूँ. क्या बोलूँ, मतलब मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब सिद्धार्थ आता है स्क्रीन पे, और सारे लोग तारीफ़ करते हैं सिद्धार्थ जैसा कोई नहीं है. इसके एक्शन बहुत लोग को पसंद आते हैं, जो सिद्धार्थ ही कर सकता है, तो बहुत अच्छा लगता है. मैं मम्मी की भी तारीफ़ और कॉम्प्लीमेंट नहीं, आशीर्वाद लेता हूँ, और आई थिंक उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ भी हूँ, अदरवाइज़ नहीं हूँ. अभी जैसे कि मैंने कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम नॉमिनेटेड हुआ हूँ एक स्टाइल आइकन की तरह. सो लेट्स सी अवार्ड मिलता है या नहीं मिलता, बट येस आई एम नॉमिनेटेड. सो एक्साइटमेंट बहुत है, बहुत खुश हूँ, और मैं अपने फैंस को बहुत दिल से यू नो थैंक्स कहना चाहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी. और आज मैं नॉमिनेट हुआ हूँ आई थिंक बिकॉज ऑफ यू ऑल. वेल, आई थिंक संडे को है ना मैच, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान. सो एक्साइटमेंट तो बहुत है, बहुत खुश हूँ मैं. एंड और अंदर ना ऐसा है कि मैं देख नहीं पाऊँगा बिकॉज मैं शूट करता रहूँगा उस वक्त, बट मैं बाद में ज़रूर देखूँगा. एंड मैं यू नो प्रे करता हूँ कि टीम इंडिया ही जीते, हमारा भारत महान. सो 3 cheers फॉर इंडियन टीम, राइट? हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, एंड आई नो टीम इंडिया विल विन. बारिश कमाल की हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट, कमाल की एक्साइटमेंट. मुझे तो है काफी एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट. एंड आई रियली वांटेड टू कम, आई डोंट नो व्हाई, बट आई रियली वांटेड टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस.
बहुत टाइम हो गया दैट वी विजिटेड लाइक अ गैदरिंग लाइक दिस राइट। यार मैं रिहर्सल से आया तो मुझे पता नहीं ये मैडम तैयार हो गया है फुल डेक्ड अप है इनसे पूछ लीजिए। मेरे पास टाइम था तैयार होने का तो मैं तैयार हो गई। आई एम जस्ट वेयरिंग अ रेगुलर सूट जस्ट एक्साइटमेंट से ज्यादा खुशी है एक्चुअली दैट आई एम फाइनली यू नो आई स्टार्ट रिज्यूम्ड वर्क and it's a good show, it's a great show, audiences like it so much, so I just hope that me entering the show can further things for the show and for me, that's it. I don't feel nervous. नहीं यार tips क्या देनी है? ये पूरे time मुझे tips ही देते रहते हैं। घर पे tips चलती हैं भाई, full on tips ही tips हैं। यार वो हाँ वो जरूर देखूंगा मगर इतना फॉलो नहीं कर पा रहे थोड़ा रिहर्सल्स में बिजी चल रहा है बट एक्साइटमेंट है डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान का मैच जरूर देखना चाहेंगे तो देखेंगे संडे को। चलिए यार राय विशिंग द इंडियन टीम या इंडियन टीम अच्छा इंडियन टीम के मेरे को लगा IWM को विश करता है कमाल कर रहा है यार जिसके लिए यहां पे नहीं कर रहे तुम लोग कमाल करते हो ऐसा थोड़ी होता है यार विशिंग टीम इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट प्लीज गेट द वर्ल्ड कप या बहुत ही ज्यादा एक तो सुनाई नहीं दे रही है बारिश आ गई है मुंबई में एंड आई एम रियली एक्साइटेड लुकिंग फॉरवर्ड दैट्स व्हाट एंड थैंक यू ऑल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल माय फिल्म रिलीज टुडे सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रेस्क्यू आज रिलीज हुई है माय फर्स्ट डेब्यू बॉलीवुड फिल्म थ्रिलर सो दैट्स व्हाट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमेशा IWM बस कुछ ना कुछ एक्साइटिंग रखते हैं एंड आई थिंक देयर मस्ट बी समथिंग एक्साइटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा कैजुअल रहना पसंद है क्योंकि एक तो बारिश है आप ज़्यादा कुछ हैवी पहनोगे या कुछ भी करोगे वो ख़राब हो जाएगा एक तो मॉइस्ट बहुत ज़्यादा है इट्स बेटर टू बी कैजुअल नाउ इट्स जैसे जैसे मैंने आज बताया आज मेरी फिल्म रेस्क्यू रिलीज़ हुई है एंड आज वो एक थ्रिलर फिल्म है बॉलीवुड पिक्चर फिल्म है आप लोग प्लीज़ जाइए एंड देखिए एंड श्रीमद भागवत कलर्स पे रोज़ हर संडे को 11 बजे आ रहा है आई एम प्लेइंग पार्वती सो कीप वॉचिंग बहुत एक्साइटेड हूँ इट्स पोरिंग आउटसाइड इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पार्टी आई लव रेन सो आई एम ऑल सेट इन द मूड एक्साइटमेंट है बिकॉज काफ़ी टाइम से वी वर ऑल वेटिंग फॉर दिस एंड फाइनली इट्स हियर सो या आई एम ऑल्सो एक्साइटेड एवरीबॉडी इज एक्साइटेड इन हियर आई थिंक 3 कैटेगरीज है जिसके लिए मैं नॉमिनेटेड हूँ सो लेट्स जस्ट होप कि जो भी है अच्छा होगा एंड मेरे फैंस ने इतना प्यार जो दिया है इतना वोटिंग किया है सो आई जस्ट होप कि यू नो इट गोज़ वेल बहुत लास्ट मिनट लुक है ये आई डोंट नो मैं बहुत ही अभी मैं अलादीन से आ रही हूँ शूट करके सो आई एम वेयरिंग दिस गाउन बाय स्यूबेरी एंड इट्स स्टाइल्ड बाय माई मदर सो या आई थिंक इट्स सिंपल एंड इट्स येट यू नो बिट क्लासी एंड ऑल सो या मुझे मेरे भाई से न्यूज़ मिलती है एक्चुअली क्योंकि वो बहुत बड़ा फ़ैन है सो वो ही देखता है मोस्टली एंड अभी जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच आने वाला है संडे को है आई थिंक या इट्स ऑन संडे सो उसके लिए ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया एंड जैसे आप हमें प्राउड हमेशा कराते हैं वैसे ही बस करते रहिए और या यू गो टीम इंडिया रॉकेट थैंक यू वेब शोज़ आई हैव ऑलरेडी डन एक्चुअली मैंने Z5 के लिए बब्बर का टब्बर मैंने किया हुआ है But yeah, I think if it all goes well, then I would like to come on web also if my fans want that from me. काफी ज़्यादा excited हैं आप देख रहे हैं. Are you also nominated? Of course. Okay, so you guys are nominated. All the best to you both of them. And yeah, let's see what happens. देखते कौन जीतेगा. But I'm just here for like meeting people because we were busy shooting for a while. तो ये एक अच्छा मौका इंटरेक्ट करने के लिए लोगों से हम नहीं फॉलो करते IWM खुद ही हमें सारे अपडेट्स हमें हमारे बारे में भी हमें मिल देता जाते हैं तो हम उसे फॉलो कर लेते हैं ऐसी ऐसी न्यूज़ जो हमें भी नहीं पता वो मिल जाती है exactly. तो इट्स गुड जो हमारे बारे में अच्छी छपते हैं वो अच्छी सारी अच्छी होती है कंट्रोवर्सीज को छोड़ के इसीलिए मैंने बोला माय थिंग इज कि आई हैव ऑलवेज केप्ट इट वेरी 90s एंड आई हैव ऑलवेज फॉलोड अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टाइल एंड नॉट चेंज्ड फ्रॉम इट मैं अपने स्नीकर्स पहनता हूं आई वेयर अ फंकी जैकेट एंड दैट्स ऑल आई डू सो टॉकिंग अबाउट मी आई कीप इट वेरी लाइक सेफ आई ऑलवेज प्ले वेरी सेफ गोइंग बिटवीन सेमी फॉर्मल्स ऑलवेज सो दैट इट्स सूटेबल कोई गाउन पहन के आया हो या कोई कैजुअल आई एम एक्चुअली परफेक्ट नाउ सो इट्स ओके आई केप्ट इट वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक
तो यस बिकॉज गर्मियाँ हैं तो लुक भी थोड़ा चेंज कर लिया है। दिस कैन नेवर गो रॉन्ग, व्हाइट व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट्स। मैं तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट यस इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो डेफिनेटली वो फॉलो करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा, हाँ वो तो देखना बनता है। और बाहर पटाके अपने आप सुनाई दे देंगे तो पता चल जाएगा कौन जीत गया है। अभी दिव्य में शूट कर रहे तो वी हैव नो आईडिया कि किसका मैच क्या चल रहा है, जस्ट हियर द पटाका, वो जीत गए। अच्छा वेरी गुड। तो हमारे जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सारे आके बोल रहे हैं आज तो मैच चल रहा है मैम, क्या चल रहा है ये वो, सो वी गेट अपडेट्स लाइक दिस ओनली। All the Indian cricketers, you guys are doing really well, and all the best for the World Cup. Let's win it. Yes. All the best. Probably this year, I can tell you that much. Yeah. यही साल में आएगी. We have started shooting for it, and अभी तक 20% we have shot. Let's see how it goes. वो क्या रहता है? मुझे समझ नहीं आया. क्या बोलना चाहते हो? You have the liberty to play around with a lot of things. Yeah. But you have to still stay true to the character. कि यार character को आप justify करो. And add your own touch to it. But I'm glad the language, in terms of language also, you can use Hindi, English or Marathi, whatever you want to. And also with Alt, we have experienced so far that they are very flexible with things. So if there is something that we don't like, something that we can say to them, they make some changes and they make us feel comfortable. So that's they make it as natural. Look, our way is different, their way is different. I think it doesn't matter from where you come. As far as लोग आपको पसंद करें वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी चैनल हो, कुछ भी हो, और मेहनत हर जगह है। इवन टू टेक आउट अ फोन एंड टू मेक अ वीडियो, आपके आइडियाज, आपका कंटेंट, क्रिएटिविटी, सब इम्पोर्टेंट होता है। सो आई थिंक मेहनत हर जगह। आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ दिस फैमिली सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई एम डब्ल्यू इज लाइक इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो आई एम सो हैप्पी दैट आई एम योर, एंड इट्स काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन क्योंकि सारे एक्टर्स साथ में आते हैं, ये बहाना है सबसे मिलने का, सो आई गेस इट्स अ ग्रेट इवनिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इट्स वेरी कैजुअल बट आई हैव केप्ट इट लिटिल पिंक, एज यू कैन सी इट, इट्स अ नियॉन पिंक, आई एम वेयरिंग अ नियॉन पिंक टॉप विद अ डेनिम जीन्स स्कर्ट एंड या माई हील, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल लुक, नथिंग फैंसी। I think it's very constant. That's the perfect word. मैं describe कर सकती हूँ क्योंकि मेरी life में या मेरी show में या जो भी कुछ हो रहा है, they are always constantly with me as a family and they never misinterpret me. So I think that's the best thing. Wishing all IMW fans, our fans, everyone that keep wishing luck for all of us and keep praying for us. Thank you so much. I'm actually not able to follow World Cup, लेकिन जो World Cup की madness है वो set पे भी आ जाती है, सब लोग अपने phones पे लगे रहते हैं और World Cup देखते हैं, but obviously I'm cheering for Team India, so Team India! Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.